चलो आज फिर किसी और जगह पर फोन करना ना जब मीटिंग चल रहा है तो ये बात तो देखता सारा पता होगा जैसे जीव रखे हुए हम काम कर रहे हैं तो ग्राहक ही जाना चला ਨਾਲ ਕੰਫਰੈਂਸ ਰੂਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦ ਪਰ ਇਨਸਾ ਹੋ ਮਨ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਫੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਦੀ ਸਾਚ ਕੋ ਬਾਤ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ इब्तदाई वाले से आपको बयान करें अभी मैं कार में जा रहा था मैंने बड़ी प्यारी बात कही अक्सर लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता कुतुब मसीह मौऊद इस्लाम पढ़ने का हमारे पास वक्त थोड़ा है जल्दी से हमें हवाले दे दो ताकि हवालों को रट लें और हवालों से तबलीग करें इसके बारे में मुशी कालू साहब रोशनी डाले के दरअसल तबलीग में बात यह है कि तबलीग और चीज़ है और अपने मुखातब को खामोश करना और उसे लाजवाब कर देना या उसे शर्मिंदा कर देना ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है इसका तबलीग के साथ कोई ताल्लुक नहीं इसी तरह तबलीग का मतलब दूसरे को अपना इलम दिखाना ये भी नहीं है तबलीग का तो मतलब है दूसरे का दिल तब्दील करना तो दिल की तब्दीली तो तब होगी जब तबलीग करने वाले का अपना दिल तब्दील हो चुका है क्योंकि अगर मेरी ये बोतल खाली है तो मैं इस बोतल में से किसी के गिलास में पानी नहीं डाल सकता देखें हमारे सामने हमारे खुलफा बेहतरीन नमूना है वो मजालिस करते हैं तबलीगी सवालों के जवाब देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उन सवालों के जवाबात की मजलिस में आयात और अहादीस और हवालों की भरमार नहीं करते वो हर बात को अकली दलाइल के साथ अकली मिसालों के साथ हल करने की कोशिश करते और उसकी ताईद में अगर कोई हवाला बताना पड़े तो बतौर नमूने के बताते अगर आप अपनी दुआ के साथ किसी के सामने सादा सी बात कर दें एक फिक्रे में दो फिक्रों में तीन फिक्रों में और फिर उसके पीछे ना पढ़ें समझ आएगी नहीं आए बताओ गौर करो इसका क्या जवाब है पूछो जाके मौली से पादरी से तो इस अंदाज से गोया हम उसको तंग कर रहे हैं हम उसको अपनी बात पे गौर करने का मौका नहीं दे रहे अगर हमारे खुलफा की तबलीगी मजारिस दो दो घंटे की तीन तीन घंटे की बगैर हवालों के कामयाब हो रही हैं तो हमें उस नमूने को पकड़ना चाहिए कि हम सादा सी बात करें लेकिन उस सादा सी बात करने से पहले इस बात पे गौर करें कि हमारे खुलफा उस बात को करने के लिए कितनी बार खुदा के हुजूर झुके हैं उन्होंने किस तरह अपना दिल साफ किया कितनी दुआएं की हैं उन अफराद के लिए जो उनकी मजलिस में आए हैं और वो सादा सादा बातें करते हैं आम फहम बातें करते हैं
और सुनने वालों पे उसका असर होता है, क्योंकि आज ये दुनिया दीनी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो दीन से बेजार बैठी है। और वो लोग जो दीन से बेजार बैठे हैं, अगर कभी कभार हमारे पास आ जाएं या हम उनके पास चले जाएं और हम उनके सामने हवाले और दलीलें और बहस मुबासा शुरू कर दें, तो गोया हम जो पहले ही दीन से दूर है उसे तीन धक्के और मारकर दीन से और परे करने वाले बने। इसलिए हमें पूरी तवज्जो के साथ अपने खुलफा की जो मजालिस हैं, अगर हो रही हो, उस पे गौर करें कि हमारे हुजूर किस तरह बात कर रहे हैं। जो एमटीए पे खुलफा की मजालिस की रिकॉर्डिंग आती है उसको सुने और उसका जायजा लें और वहां से हम सबक हासिल करें कि वो किस तरह बात कर रहे हैं। जो उनकी बात करने का तरीक है और जो अंदाज है वो हम अपनाएंगे तो कामयाब होंगे। अगर हम बहस मुबासे में पढ़ेंगे उसके तो कोई फायदा नहीं। देखें, अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को इल्हाम किया। पिछले साल भी मैंने ये बात अर्ज की थी, आज फिर दोहराता हूँ। अल्लाह ताला ने हुजूर को इल्हामन फरमाया, मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। ये इल्हाम हमारे लिए रहनुमा है तबलीगी मामलात। इसमें दो लफ्ज काबिल गौर हैं। एक लफ्ज मैं, तबलीग कौन करेगा? अल्लाह ताला। ये नहीं फरमाया कि मुबल्लिगीन तेरी तबलीग करेंगे, मुरब्बियान तेरी तबलीग करेंगे, दाईयान तेरी तबलीग करेंगे। फरमाया ये काम मैंने करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दाई इल्लल्लाह बने और तबलीग का काम करें, तो हमें अपने आप को सबसे पहले अपने आप को लफ्ज मैं के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। अगर मैं अपने कौल के लिहाज से, अपने फेल के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से लफ्ज मैं के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका, मैं तकरीरें कर सकता हूं, किसी को खामोश कर सकता हूं, किसी को लाजवाब कर सकता हूं, उसके दिल में अपनी बात को उतार नहीं सकता, क्योंकि ये काम तो मैं खुदा ने करना है या फिर उस इंसान ने करना है जो अपने आप को खुदा के वजूद के अंदर ब्रैकेट कर लेगा। इसलिए सबसे पहली बात तबलीगी नुक्ते निगाह से हमारे दायान को ये जहन में रखनी चाहिए कि क्या मैं खुद लफज मैं के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया हूं या नहीं, या कम अज कम लफज मैं के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं। दूसरी बात काबिले तवज्जो क्या है? खुदा कहता है तेरी तबलीग को। तेरी का इशारा किस तरफ है? मसीह मौत की तरफ। मसीह मौत की वफात के बाद मसीह मौत के खुलफा कि मैंने उस पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेवारी कबूल की है जो मसीह मौत की या मसीह मौत के खुलफा की पेश करता। तो इसमें हमें यह समझाया कि अगर हम वो दलील पेश करेंगे, अगर हम किसी बात की वो तशरीह करेंगे, वो जवाब देंगे जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने पेश किया है या आपके खुलफा ने पेश किया है, तो ये इल्हाम कहता है कि फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर हम मसीह मौऊद अलैहि सलाम या आपके खुलफा की पेश करदा दलील को, आपके जवाब को, आपकी तशरीह को छोड़कर अपनी तरफ से कुछ सोचेंगे कि मैंने ये नुक्ता मारा, तो भाई वो नुक्ता जो खुदा ताला ने मसीह मौऊद अलैहि सलाम या आपके खुलफा को सिखाना मुनासिब नहीं समझा, उस नुक्ते की अहमियत क्या है? उस नुक्ते को पहुंचाने की खुदा ने जिम्मेवारी नहीं ली, उस नुक्ते को पहुंचाने का खुदा ने वादा नहीं किया। खुदा ने तो वादा किया तेरी तबलीग को पहुंचाने, यानी मसीह मौऊद अलैहि सलाम। इसलिए जहां हम पे ये फर्ज बनता है कि हम मसीह मौऊद अलैहि सलाम और खुलफा के पेश करदा दलाइल
उनके पेश करदा नजरियात, उनकी पेश करदा तशरीहात, उनकी पेश करदा मिसालें दुनिया के सामने पेश करें तो खुदा की मदद हमारे हम रेकाब होगी। वाह, हम पे ये भी फ़र्ज बनता है कि हम फिर मसीह मौऊद अलैहि सलाम और खुलफा की किताबें पढ़ने की आदत डालें ताकि हमें पता हो कि इस बात के बारे में मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, आपके खुलफा ने क्या इसकी तशरीह की, इसको समझाने के उन्हें क्या मिसाल पेश की। अगर हमें खुद पता ही नहीं कि इसको मसीह मौऊद अलैहि सलाम ने या आपके खुलफा ने किस अंदाज से बयान किया तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। वही बोतल वाली मिसाल देखें, अगर मेरी बोतल में पानी मौजूद ही नहीं है तो मैं किसी के गिलास में क्या डालूंगा अगर मेरी अपनी बोतल खाली पड़ी। इसलिए दायान को, और ये मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि हमारे दायान की अक्सरियत ऐसी होती है जो मसीह मौऊद अलैहि सलाम और आपके खुलफा की किताबें पढ़ना कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो काजी साहब की किताब पढ़ेंगे, शमस साहब की पढ़ेंगे, अबुलता साहब की पढ़ेंगे, आदम साहब की पढ़ेंगे, उसमें से हवाले याद करेंगे, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो मसीह मौऊद की किताब, मसीह मौऊद अलैहि सलाम के खुलफा की किताब। तो ये चीज़ हमारी तबलीग में बेबरकती का सबसे बड़ा सबब बन जाती है कि जिस चीज़ को पहुंचाने का खुदा ने वादा किया, जिस चीज़ की कामयाबी की खुदा ने जिम्मेवारी कबूल की, हम उस चीज़ से बेनियाज हैं, हम उसकी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो ये मुख्तसर सी बात है। बाकी देखें, ये जो है ना कि जो यहाँ लोग बड़े मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ लोग फारिग बैठे हैं? किसी मुल्क में लोग फारिग नहीं बैठे, और अगर उनके पास फुर्सत हो भी तो वो दीन के लिए नहीं होती, वो खेल कूद के लिए होती है, तमाशों के लिए होती है, दुनियावी मसरूफियात के लिए होती है, टीवी के लिए होती है, दीन के लिए नहीं होती। इसलिए इस माहौल में फिर हमारा ये काम है कि हम मसीह मौऊद अलैहि सलाम और खुलफा की किताबें इस कसरत के साथ बार बार पढ़ें, काम के दौरान कहीं भी बैठे हुए, चाय पीते हुए, चैटिंग के दौरान कोई आदमी को बात करता है तो हम वहाँ पे जब वो बात कर रहा हो उस वक़्त हम दुआ कर रहे हों ताकि मेरी ज़बान में तासीर पैदा हो, ज़बान से सही बात निकले, एक जुमला, दो जुमले, हद तीन जुमले कह दें, वो उसके जहन में उतर जाएंगे। हम ये कहें कि यो किताब पढ़ो, और हमारा अपना ये हाल है कि हमारे अपने आदमी किताब पढ़ने को तैयार नहीं होते। देखिए हमारा बुक डिपो है, हमने वहां से कितनी किताबें खरीदी हैं, नीचे लाइब्रेरी हाल बड़ा बड़ा है, उनका रजिस्टर चेक करके देखें कितनी किताबें इशू हुई हैं, या दायान ने मसीह मौऊद अलैहि सलाम और खुलफा की किताब कितनी किताबें इशू करके कितनी पढ़ी हैं खुद। तो जो किताब हम खुद पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हम ये तवक्को रखते हैं कि हमारा गैर अहमदी, गैर मुस्लिम दोस्त वो ज़रूर उस किताब को पढ़ेगा। क्यों भाई? जिस किताब को हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं, हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो उसको पढ़ेगा, वो क्यों पढ़ेगा? एक और बात ये है कि हमें मुस्बत पहलुओं पे गौर करना चाहिए, ऐसी बातें दूसरे के सामने पेश करें जो उसकी दिल आज़ारी का मूजब। मसलन हमारे सामने अगर कोई ईसाई आके बैठ गया और हम उसके सामने बाइबल की खराबियां बयान करने शुरू कर दें, क्या वो दोबारा हमारे पास आएगा? वो नहीं आएगा। हम बड़े खुश हैं कि हमने उसको बड़ा शर्मिंदा किया, उसको जवाब नहीं आया, ये तबलीग तो नहीं हुई ना, हमने आदमी को अहमदियत से बेजार कर दिया। इसलिए जिसके जो भी हमारे पास आ जाए बहुत कम आएंगे, हर मुल्क में ऐसा ही है, दुनिया में, अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो, पाकिस्तान हो, जो भी जो आया है उसकी बात हम सुने। हमारे दायान में एक बड़ी बुनियादी खामी यह होती है, हम समझते हैं बोलने का नाम तबलीग है, हम अगले की बात सुनते ही नहीं है। आदमी आया हमारे पास और धड़ाधड़ जो हमें हवाले याद हमने सुनाने शुरू कर दिए, और हम ये भी नहीं जायजा लेते कि ये हवाला इसको सुनाना भी है कि नहीं, इसके अपने नज़रियात क्या हैं, इसके अपने ख्यालात क्या हैं। हज़रत साहबज़ादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब मरहूम वकील तफ़सीर थे, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। कहने लगे यूरोप में एक मुरबी साहब के पास एक यूरोपियन आ गया,
मुरब्बी साहब ने फटाफट चाय तैयार की, उसके आगे रखी, बिस्कुट की प्लेट रखी और बाइबल के हवाले दे दे के तकरीर शुरू कर दी कि जनाब जो जीसस है ना वो ना गार्ड था और ना सन ऑफ गॉड था। वो अपना चुप करके बिस्कुट खाता रहा और चाय पीता रहा। अब आधे पौने घंटे में मुरब्बी साहब के सारे हवाले खत्म हो गए और बोल बोल के थक गए, वो अपना खामोशी से बिस्कुट खा रहे और चाय पी रहे। अब इन्होंने सोचा कि इसने कोई सवाल ही नहीं किया, मैं इसे पूछूं तो सही कि मैं तो बोल बोल के थक गया और ये बोला ही नहीं। वो मुरब्बी साहब उसे कहने लगे कि क्यों जी आपका क्या ख्याल है, जीसस गॉड था? कहने लगा नहीं, मेरा भी यही ख्याल है, वो गॉड नहीं था, सन ऑफ गॉड भी नहीं था। अब मुरब्बी साहब बड़े हैरान के इसने सवाल भी कोई नहीं किया और इतनी जल्दी मान गया कि जीसस ना गॉड था ना सन ऑफ गॉड था। मुरब्बी साहब ने पूछा कि आपका क्या मजहब है? कहने लगा मैं जीव हूँ। अब मुरब्बी साहब बड़े परेशान कि ये तो यहूदी है तो मसीह को पहले ही खुदा खुदा के शरीफ आदमी भी नहीं मानता और मैंने पौना घंटा तकरीर कर कर के मेरा दिमाग खप गया। मुरब्बी साहब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं यहूदी हूँ? उसने कहा आपने मुझे पूछा ही नहीं। मैं बैठा और आपने बिस्कुट आगे रखे और बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी। तो बात यह है कि बातें करने का नाम और बोलने का नाम तब्दील। अगले की बात सुने, उसको बोलने दे, जब वो बोलेगा बोलता जाए आप उसकी बात तवज्जो से सुनते जाएं और दिल में दुआ करते रहें। दिल बदलना खुदा का काम, हमारी तकरीरें हमारी दलीलें वो दिल नहीं बदल सकते। अगर हम उसको बोलने देंगे उसकी बातें सुनेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके अपने क्या नजरियात हैं, इसका इल्मी मेयार क्या है, इसका मिजाज किस किस्म का है, इसके सामने मैं कौन सी बात करूं तो यह असर कबूल करेगा और कौन सी बात करूं तो वो असर कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने उसको बोलने नहीं सिर्फ इतना पता लगा कि यह ईसाई है या ये गैर अहमदी और धड़ाधड़ वालों की बौछाड़, उस पर तो कोई असर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुफीद और हिकमत और मेयारी तबलीग की बातें आपने सुनी हैं। एक और पहलू से कुछ मिसालें अर्ज करके मैं भी आपको इसी अमर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि तबलीग को किस तरह पुरहिकमत अंदाज से किया जाए और ऐसे अंदाज से कि उसके फिर नताइज पैदा हों। और इसका सबसे मेयारी और ख़ूबसूरत नमूना जो है हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करके दिखा दिया, जो जिनको अल्लाह ताला ने दायन इल्लाह बेजने ही के लक़ब से याद फरमाया है कि वो एक ऐसे दाई इल्लाह थे, अल्लाह ताला के इज़्न और उसके हुक्म के मुताबिक वो दावत इल्लाह बजा लाते थे। वो तमाम आदाब जो दावत इल्लाह के मलहूज रखने ज़रूरी हैं उन सब को मलहूज रखते थे। सबसे पहली बात जिसका जिक्र हुआ, बोतल की मिसाल अभी दी थी मोहतरम कालों साहब ने, तो कुरान शरीफ ने जो ये फरमाया कि वह मन आहसन कौलम मिम्मन दा इल्लाह वामिल सालह वकाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, उससे बेहतरीन और उससे उम्दा और उससे अच्छा और हसीन और खूबसूरत दा इल्लाह है कौन जो दावत इल्लाह के साथ बेहतरीन अमली नमूना पेश करता है और अपने अमल से ये जाहिर करके बताता है कि वो बेहतरीन मुसलमान है। इस्लाम का एक बेहतरीन नमूना आप उसकी ज़ात में देखते हैं, ये है एक बेहतरीन दाई लल्ला। और अगरचे यहाँ नाम तो नहीं लिया गया किसी का, मगर हज़रत खलीफतुल मसीह राबे एक बहुत ही खूबसूरत लतीफ़ तफसीर के अंदाज़ में ये भी फरमाया करते थे कि इससे मुराद दरअसल तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि सबसे बेहतरीन नमूना जो तबलीग का अमली रंग में पेश फरमाया वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। अब आप हुजूर के
जो मुख्तलिफ नमूने हैं उनमें ढूंढें। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, जितने हालात आप कहते हैं कि जी मसरूफियात भी हैं और मसाइल भी हैं और आगे लोग बात भी नहीं सुनते और तवज्जो नहीं करते, ये तमाम मसाइल क्या इससे बढ़कर मसाइल उस माहौल में और मुआशरे में दरपेश थे जहाँ आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो आज फिर एक दायान की जमात यहाँ मौजूद हैं, अकेले इस तबलीग का बीड़ा आपने उठाया था और फिर अल्लाह ताला ने किस तरह आपको कामयाब किया। मगर उसके लिए जिन बातों की ज़रूरत होती है, जिन औसाफ की ज़रूरत होती है, उनसे अल्लाह ताला ने आपको मुज़य्यन भी फरमाया था, दायन अल्लाह भेजने ही जो थे। उसमें एक बहुत अहम बात जो है उसको कुरान शरीफ ने जिक्र किया है सब्र के अल्फाज, और फरमाया वमा युलक्काहा इल्ला जिन सब्र। तबलीग के मैदान में जब उतरे हो तो इसमें सब्र की बहुत ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा वस्फ जो दायन अल्लाह को चाहिए, और कदम कदम पर वो सब्र इसमें भी आएगा कि आपने अगले की बात सुननी है, सब्र इसमें भी आएगा कि सब्र से हुस्ने सलूक से और आसन रंग में उसको जवाब देना है। सब्र का ये पहलू भी है कि एक आध दिन की तबलीग से आप ये ना समझें कि वो अहमदी हो जाएगा और नहीं हुआ तो फिर छोड़कर दूसरे तीसरी राह को आप इख्तियार कर रहे हैं। मुसलसल सब्र का दामन थामते हुए पैगाम पहुँचाते चले जाना, और एक आदमी जो आपके बात सुन रहा है और ज़ेरे तबलीग है उससे फौरी नतायज अगर हासिल नहीं हो रहे तो वहाँ भी एक सब्र चाहिए, और अगर कुछ कोशिशों के बाद नतीजे नहीं मिले तो वहाँ भी वतवासो बिलहक़ वतवासो बिसब्र के मुताबिक सब्र का दामन थामते हुए इस काम पर कायम रहना इस्तिक्लाल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ये बड़ी एक ज़रूरी शर्त है दायान के लिए। ये नहीं है कि चंद दिन के लिए काम किया या एक दिन काम करके उसी दिन का नतीजा उसी दिन चार नहीं मिला तो फिर थक हार के बैठ गए। तो इसमें थकना हारना नहीं, और जाहिर है इसमें फिर साथ दुआ की भी बड़ी ज़रूरत होती है। इंसान का सब्र तो जवाब दे जाता है, हिम्मतें इंसान की आखिर इंसान है, कमज़ोर पैदा किया गया है वो जवाब दे जाती हैं, तो अल्लाह ताला की ताईद साथ ना हो, वो इयाक नस्तईन की दुआ साथ ना हो तो फिर भी मतलब हासिल नहीं होता। अब देखो आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन तमाम कामों के साथ सब्र की मिसाल ले लो तो अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए भी आपको फल अता किया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा जब अबू जहल ने ज़्यादती की थी और हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा आए और उनको पता चला अपनी लौंडी से कि हुजूर के साथ उसने ज़्यादती की है, और हुजूर ने मजलूमियत और सब्र का बेहतरीन नमूना दिखाया है, तो हज़रत हमज़ा को एक जोश पैदा हुआ और वो फ़ौरन गए उस मजलिस में जहाँ अबू जहल बैठा हुआ था और उसके सर में कमान देर मारी कि तुम्हें ये जुर्रत कि हमारे भतीजे के साथ ये मामला करते हो। और अबू जहल जो वो अपने इलाके का सरदार और अबुल हिकम कहलाता था, उसकी दानाई ये थी कि उसने कहा कि अब इस जगह पर लड़ाई या फसाद पैदा करना मुनासिब नहीं, उसने अपने साथियों को रोक लिया उसका जवाब देने से, और हज़रत हमज़ा ने कह दिया कि अगर ये मेरे भतीजे से ऐसा मामला करते हो तो फिर आज से मेरा भी वही मज़हब है जो उनका, और उस वक्त तो जोश में कह दिया, मगर बाद में अल्लाह ताला ने वो हिम्मत और तौफीक दी उसको निभाने की, और यूँ ये एक सब्र का भी फल था जो अल्लाह ताला ने अता किया। अब दुआ जो तबलीग का एक ज़रूरी लाजिमा है, उसके बगैर कामयाब तबलीग हो ही नहीं सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग के लिए सोचते थे, मंसूबे आपके जहन में आते थे, उस हवाले से फिर आप दुआएँ भी किया करते थे। मसलन एक आपके जहन में ये तजवीज़ आई कि मक्के के दो बड़े लीडर हैं, अगर ये लीडरशिप अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि मुखालफत रहनी है तो अबू जहल और हज़रत उमर इन दोनों में से कोई एक अगर इस्लाम के आगोश में आ जाए तो इस्लाम की बड़ी मदद और नुसरत होगी। तो आपने एक दिन आपको ये दुआएं करते हुए सुना गया कि अल्लाह अगर ये दोनों नहीं, तेरी ये तकदीर है कि मुखालफत रहनी है और एक ने उनके आगोश में रहना है, तो इन दोनों में से कम एक को ही ले आ, जो तुझे प्यारा है, जो तुझे पसंदीदा है, अबू जहल और उमर में से एक को ज़रूर इस्लाम के आगोश में ले। और हुजूर की इन दुआओं के नतीजे में चंद दिनों में ही हज़रत उमर को कबूल इस्लाम की तौफीक मिल गई। वो जो सख्त दिली का ये आलम एक तरफ
कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले और अपनी बहन के यहाँ गए और कुरान सुना, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि ऐसा दिल नर्म हुआ कि वहाँ से गोया इस्लाम कबूल करके निकले अपने दिल से, हुजूर की मजलिस में पहुँचे, वहाँ जाकर कलिमा पढ़ ली। तो ये जो आदाब जो कुरान शरीफ ने बताए, उन आदाब को उन तरीकों को आप इख्तियार करेंगे। दूसरी जगह फरमाया है कि उदो इला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौइज़त अल हसना, हिकमत के साथ। अब इस लफ्ज़ हिकमत में ही इतने दावत अल्लाह के उसलूब बता दिए, जितने आप लोग बैठे हुए हैं उनमें से हर एक अपने इल्म अपनी दानिश के मुताबिक एक मजबूत और उम्दा तरीक जो इस्तेमाल करेगा, एक वो हिकमत है। और एक वो हिकमत है कि जो आपके मुखातबीन हैं, आप 20 लोग हैं, आपके आगे 20 या 2100 या 20,000 मुखातब हैं, इतनी ज़्यादा हिकमतें आप समझे होंगी, क्योंकि हर एक के मुताबिक ये अलग हिकमत है जो आपको तय करनी होगी। बस खलीफत मसीह आबे फरमाया करते थे कि हर आदमी जो है उसकी इस्तेदाद और उसकी दिलचस्पी के मुताबिक आप उसके अंदर उतरें और उसके साथ बात करें। एक फ़ुटबॉल का प्लेयर है तो उसके साथ आप फुटबॉल की मैच करें, किसी को हॉकी का शौक़ है, कोई मैच हॉकी का लगा हुआ है, उसके साथ हॉकी की बात करते हुए गुफ्तगू करते हुए आप उसकी दिलचस्पी की बातों से उसके अंदर उतरें और फिर उसको इस तरफ लेकर आएँ, फिर वो भी आपकी बातों में दिलचस्पी लेगा। तो इस पहलू से जो हिकमत के तकाजे हैं उनको भी पूरा करना है। और आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक किया कि हर आदमी के साथ उसके माहौल में, उसके मिजाज के मुताबिक उसके अखाड़े में उतर कर पैगाम पहुँचाया। और तो और एक पहलवान हुआ करता था अरब का, रुकाना उसका नाम था। उसने देखो, अब नबी कोई पहलवान तो नहीं हुआ करते कि वो आकर लोगों से मैदानों में यूं अखाड़े में मुकाबला करें और जीत जाएं तो इससे गोया दीन की फतह हो। लेकिन उसने ये मुतालबा कर दिया कि अगर आप सच्चे हैं तो आए मेरे से कुश्ती कर लें, अगर आप जीत गए तो सच्चे मैं इसी को मान लूँगा। इसको उसने दलील बना लिया। और आंद्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत करके अरब के वो जो पहलवान था उसके साथ मुकाबला करने की ठान ली। और यकीनन आपने अल्लाह ताला से दुआ की, क्योंकि दुआ के बगैर वो अरब का जीता हुआ पहलवान जो था उसको गिराना नामुमकिन था। और अल्लाह ताला ने आपकी ताईद और नुसरत फरमाई कि इस वक्त अल्लाह ताला के नाम की सरबुलंदी के लिए आप इसके साथ कुश्ती करें। पहली दफ़ा जब उसको हुजूर ने गिरा दिया, उसने कहा मुझे समझ नहीं आई, ये हुआ क्या है, कौन सा दाव मुझ पर चलाया, क्योंकि ये हो नहीं सकता, मैं माना हुआ पहलवान हूँ अरब का, इसलिए आप आए मेरे साथ दोबारा कुश्ती करें। वहाँ तो अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत चल रही थी, वो एक दफ़ा क्या 100 दफ़ा भी मुकाबला करता तो उसने गिरना ही गिरना था, दूसरी दफ़ा भी हुजूर ने उसे पिछाड़ दिया। उसने कहा मुझे अब भी नहीं समझ आई कौन सा दाव चला है, आप फिर मेरे साथ कुश्ती करें। जब तीसरी दफ़ा हुजूर को ने उसको गिरा दिया तो उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल। और आप देखो कि आंद्र सल्लम ने इस राह में कोई मशक तो नहीं की हुई थी, कोई कुश्ती और पहलवानी तो नहीं सीखी हुई थी, मगर जब गैरत का मामला आया, जब इस मैदान में भी उतरना पड़ा तो दुआ करके उतर गए और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। एक ये भी पहलू है कि एक आदमी की दिलचस्पी के मुताबिक, उसके मिजाज के मुताबिक आप बात और गुफ्तगू करते हुए फिर दुआ करके उस मैदान में उतरते हैं तो अल्लाह ताला फिर हिम्मत और तौफीक देता है। मौज़ हसना है, नरम बात है, नरम बात से आप दूसरों के दिल जीत लेते हैं। अब आपका स्लोगन जो है लव फॉर ऑल, देखें जितने भी लोग आए जलसे के मौके पर, हर एक ने आकर इस स्लोगन की तारीफ की कि देखो कितना प्यारा आपका स्लोगन है, मोहब्बत सबके लिए। लेकिन हमारे मुंह में तो ये स्लोगन हो मोहब्बत सबके लिए, लेकिन हमारे अमल और नमूने से अगर नफ़रत का इजहार हो रहा है तो फिर वो बात मौज़ हसना नहीं रहती। नरम बात, वो मोहब्बत भरी बात तो नहीं होती है जो वाकईतन तबलीग हो, क्योंकि तबलीग का माना ये है कि अपनी बात को दिल तक पहुंचा दें, वो जो है ना कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, दिल से बात निकले और दिलों में उतर जाए। और ये नरमी और मोहब्बत और प्यार से की गई वो सच्ची बात है, सच्चाई में इतनी ताकत है कि जब आप वो बात मोहब्बत से और नरमी से और प्यार से करते हैं तो उसको बहुत गहरा असर होता है। अभी एक यहूदी
کے واقعہ کا ذکر ہوا تھا تبلیغ کا، آندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں آپ کو یہودی خاندان کی بات سناتا ہوں، ایک یہودی خادم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک دن بیمار ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں حضور کی جو محبت ہے، محض کوئی نعرہ نہیں تھا، وہ محبت سب کے لیے، کوئی ہو کسی قوم کا ہو، یہودی تھا مدینے کا، آپ اس یہودی اپنے خادم کا حال پوچھنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس میں خدمت کا پہلو بھی ہے، اس میں آپ کی نرمی اور محبت بھی ہے، اور جب گئے تو یہ ایسا احسان کا سلوک تھا کہ وہ گھر والے تو حیران اور ششدر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سردار اپنے خادم کے گھر قدم رنجہ فرما کے تشریف لے کے آئے، تو وہ بچھے جاتے تھے، ممنون احسان ہوئے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سرانے بیٹھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا حال پوچھتے رہے، مگر آپ سے رہا نہیں گیا۔